कई बार मृत्यु की खबर हम घुमा फिरा कर देते हैं क्योंकि दुख बड़ा पहुंचता है, इसलिए बोलते नहीं है, जल्दी चलो अचानक कुछ इमरजेंसी आ गई है ना, फिर घर में आके पता लगता है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया, तेरी बेटी मर गई है। इसने सुना अच्छी तरह से, याईर ने अच्छी तरह से सुना, परंतु आप उसका 36 वचन को पढ़िएगा। जो बात वे कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। सुनिए सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। कुछ बातों को नजरअंदाज कीजिए, जो कुछ बातें जो आपके कान में आती है ना, उसको सुनिए मत, उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए और उसी बात पर विश्वास कीजिए जो यीशु ने आपसे कहा है। यीशु ने कहा है मैं चल रहा हूं तेरे साथ। यीशु चलने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन हम पता है कई बार क्या करते हैं, जब समस्याएं जब तक हमारे नियंत्रण में होती हैं तब तक तो हम विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे ही नियंत्रण से बाहर निकलने लगती है हमारा विश्वास का गुब्बारा भी फूटना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु जानते हैं क्या कह रहा है, यीशु ने अनसुनी कर दिया, यानी उस निराशा की बात को, अविश्वास पैदा करने वाली बातों को मत सुनिए, मत सुनिए। हालेलुया। एक बार जानते हैं क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं, छोटे मेंढक, उन सब में दौड़ का आयोजन किया, दौड़ते हैं हम लोग, और दौड़ में क्या करना था, एक ऊंचे टावर पे चढ़ना था, बहुत बड़ा टावर, बिजली का टावर। तो बड़े बड़े मेंढकों ने बोला, अरे कुछ हो ही नहीं सकता, आज तक हम में से भी कोई नहीं चढ़ा, तो ये कहां से चढ़ेंगे। लेकिन कुछ जो फुर्तीले थे वो तैयार हो गए, दौड़ शुरू हुई और रेडी सेट गो ठक, सारे के सारे भागने लगे, चढ़ने लगे, चढ़ने लगे। और जब जो दूसरे लोग वहां खड़े थे वो क्या कह रहे थे, अरे कुछ नहीं होगा, अभी देखना, अभी खत्म, अभी गिरेंगे, अभी थक जाएंगे, अभी हो जाएगा। तो थोड़े थोड़ा करके लोग थकने लगे, एक के बाद एक कम होने लगे, कम होने लगे, कम होने लगे, कम होने लगे। एक ऊपर तक चढ़ गया तो उसके नीचे आने वाला वो भी गिर गया, लास्ट में एक ऊपर चढ़ गया, एक सबसे ऊपर पहुंच गया। जब सबसे ऊपर पहुंच गया तो लोग बड़े हैरान हो गए, अरे ये ऊपर पहुंच गया। उसको बुलाया, पत्रकार आ गए उससे बात करने के लिए, माइक दिया उसको, आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। माइक उसको दिया तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, दो तीन बार पूछा तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसके जो दोस्त थे वो आए, अरे बोले भाई साहब इससे क्यों पूछ रहे हो, ये बहरा है। आपको समझ में आ रहा है ये कहानी क्या कहती है, ये बहरा है। पता है जब ये लोग जो निराशा की बातें बोल रहे थे, लेकिन इसलिए सुना ही नहीं क्योंकि ये बहरा था, जो सुन रहे थे वो कह रहे थे हाँ यार ये तो नहीं होगा, मेरे दादाजी से नहीं हुआ, मेरे पापा जी से नहीं हुआ, मेरे चाचा तो वर्जिश करने वाले हैं उनसे नहीं हुआ, तो मुझसे कहां से होगा। उसकी हिम्मत तो वैसे ही खत्म हो गई। लेकिन जो बहरा था उसने सुना ही नहीं। प्रभु जानते क्या कहता है, संसार की बातों के लिए कान को बंद कर लीजिए, वचन की बातों पर विश्वास कीजिए। यीशु कह रहा है उन बातों को अनसुनी करो, मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास करो, मत डर केवल विश्वास कर। हालेलुया। आज आप कौन सी बातें सुन रहे हैं, आप कहां की बातें सुन रहे हैं। आज संसार हमें झूठ परोस रहा है, झूठ 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 पे झूठ, सोशल मीडिया 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे बैठे रहते हैं उस पर, 90% झूठ। और झूठ क्या करता है, आपको परमेश्वर से दूर करता है। जहां झूठ होगा वहां पर भय होगा, और जहां भय होगा वहां पर चिंता होगी। इसलिए पौलुस जानते हैं अपनी पत्री फिलिपियों में क्या कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी विनती प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ समर्पित की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों को मसीह यीशु में, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। उस 4:8 में लिखा है, उसके बाद जो बातें सच हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें प्रशंसा की हैं, उन्हीं के बारे में सोचो। ये ना शैतान बड़ा चालाक है। शैतान हमें क्या हमेशा क्या बोलता है, झूठ बोलता है। शैतान हमेशा झूठ बोलता है, बोले तू बर्बाद हो जाएगी, तू मर जाएगा, तेरे बच्चे फेल होंगे, उनका कोई भविष्य नहीं होगा, उनकी शादी नहीं होगी, तू बर्बाद है। शैतान हमेशा झूठ बोलता है। पता है क्यों झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठों का पिता है, उसका काम ही झूठ बोलना है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, और आदम की वाटिका में देखिए, परमेश्वर के जो संतान थे आदम और हव्वा, परमेश्वर ने उनको बोला, सब कुछ बताया उनको, सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक फल मत खाना। लेकिन शैतान उनके पास आकर क्या बोलता है, क्या उसने कहा है ये फल नहीं खाना, अरे कहा है, सुना है हमने कानों से,
ये बोलना चाहिए था उसको, लेकिन उसने झूठ पर विश्वास किया। उसने कहा अच्छा हाँ मुझे लगता है, बस। ये शैतान क्या करेगा? झूठ बोलेगा आपको। आपके जीवन की परिस्थितियां, परेशानियां, संकट जब आएंगे वो आपको बोलेगा कुछ नहीं हो सकता, अब तो यीशु भी काम नहीं कर पाएंगे, अब प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है, अब चर्च जाने से कोई फायदा नहीं है, तेरे विश्वास का क्या फायदा, देख फेल हो गई, पास नहीं हो रहा, ये देख क्या क्या हो रहा है। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? अनसुनी कीजिए इन बातों को, कान बंद कर दीजिए इन बातों से, और जो बातें सच हैं उस पर भरोसा कीजिए। और मैं आपको कहूं सच इस संसार में अगर कोई है तो वो एक ही है, और वो परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, तेरे वचन से हमें शुद्ध कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ये सत्य है। जब आपके हृदय में झूठ आएगा आप निराश हो जाएंगे, झूठ आएगा आप परेशानी में आ जाएंगे, आपको चिंता होने लगेगी, लेकिन जब आपके जीवन में सच आएगा, सच क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए जब अपने हृदय को वचन से भरना शुरू करेंगे, वचन से भरना शुरू करेंगे, वचन से भरना शुरू करेंगे, शैतान कितनी भी झूठ आपके सामने रखेगा आप बोलेंगे अरे तू जा अपना काम कर, हमको पता है सच क्या है। शैतान बोलेगा तू भूख से मर जाएगी, तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, तो आप कहेंगे अरे शैतान क्या बात करता है, हमें पता है हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है, मेरा बंदोबस्त करने वाला प्रभु है। क्योंकि सच आपके अंदर है। आप बीमार होंगे, शैतान बोलेगा देख अब कुछ नहीं हो सकता, बीमारी बहुत लाइलाज है, तेरा पड़ोस में ऐसे ही बीमारी हुई थी, वो 2 महीने में मर गया, आपको डर लगेगा। लेकिन पता है वचन अगर आपके अंदर होगा, आप शैतान को बोलेंगे, लात मार के बोलेंगे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मेरे यहां से दूर भाग जा, क्योंकि मेरा वचन जो सत्य है वो कहता है मैं यहोवा राफा हूं, मेरे कोड़े खाने से चंगाई मिलती है, वो हमारा चंगा करने वाला ईश्वर है। तू हमसे क्या बात कर रहा है? यीशु हमसे बात कर रहा है। आप सच को अपने हृदय में भरिए, और जब सच आपके हृदय में होगा आपको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी समस्या आपको गिरा नहीं पाएगी। और मैं आपको कहूं आप कितना भी चर्च आ जाइए, कितना भी आराधना कीजिए, अगर हृदय में सच नहीं है, छोटा सा झोंका, छोटा सा झूठ, आपका सारा विश्वास हिलेगा और आप गिर पड़ेंगे। लेकिन अगर सच आपके अंदर है, यीशु क्या कहते हैं? अनसुनी कर दिया उन बातों को, और यीशु कहता है मत डर, केवल विश्वास कर।